सो हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो हम वीक 3 को एक्सप्लेन करने वाले। तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा आज के दिन वीक 3 ओपन हो चुका है। तो जिस किसी भाई लोग के भी वीक 3 ओपन नहीं हुआ है तो फिर भी आप वीडियो देखो, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको वही सभी को मिशन मिलने वाले जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के मिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिनके वीक 3 ओपन हो चुका है तो डेफिनेटली आपने M1 से रॉयल पास लिया होगा, जहाँ पर आपने M3 का जैसे लिया होगा तो आपको मिशन फ्री मिल चुका होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीक 3 का पहला मिशन जो कि रॉयल पास बंदूक के लिए होने वाला है। तो पहले मिशन के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप कोई सा भी एक करेंगे तब भी आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप लिविक खेलो, जिसके अंदर आपको टॉप 10 में आना होगा वो भी 7 बारी, या फिर आप मीरा मारिया शेनोक खेल सकते हैं, उसके अंदर आपको क्या है कि सिर्फ 4 बारी टॉप 20 में आना है। अब इसमें आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। दूसरा मिशन भी रॉयल पास वाले बंदों के लिए होने वाला है। इसके अंदर आपको AKM से बंदे किल करने आपको 2 ऑप्शन मिले, या तो आप एरेना चूज कर सकते हैं या फिर क्लासिक मोड चूज कर सकते हैं। आप जो अच्छा प्रीफर करते हैं उसके अंदर जाकर आप किल कर सकते हैं। अगर आप क्लासिक मोड सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर 15 बंदे किल करने होंगे, और अगर आप एरेना सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको 100 बंदे किल करने होंगे। और इन प्लेस अगर आप एरेना ही चूज करो तो गाइस उसके अंदर आपको क्या करना है, लोड आउट में अपना AKM रखना है, और उसके बाद आपको डोमिनेशन खेलना है, क्योंकि उसके अंदर किल का लिमिट नहीं होता और आप ज्यादा से ज्यादा किल कर पाओगे एक मैच के अंदर। अब बाकी के जितने भी कोई मिशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी कोई फ्री पास के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली जो रॉयल पास नहीं भी लेते वो भी इन मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा मिशन आपको देखने को मिलता है गाइस, यहाँ पर आपको 20 टाइम्स रिवाइव करना होगा क्लासिक मोड के अंदर, वो भी अपने टीममेट को। अब यहाँ पर ये तो करना ही होगा, इसके अंदर एक शॉर्टकट ट्रिक ये है गाइस कि अगर आपका जो टीममेट है उसके पास अगर रॉयल पास है और उस गेम के अंदर वो किसी बंदे को रिवाइव करता है, यानी कि थर्ड बंदे को मान लीजिए आपको भी रिवाइव कर रहा है फिर किसी और फ्रेंड को कर रहा है, तो जब वो रिवाइव करेगा तो उसका जो प्रोग्रेस होगा वो भी आपके मिशन में काउंट किया जाएगा। फोर्थ मिशन, तो इसके अंदर गाइस आपको 60 सेकंड में क्लासिक मोड के अंदर 2 बंदे किल करना होगा। तो अभी 60 सेकंड कहाँ से काउंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एरोप्लेन से लैंडिंग लेते हो तो उसके बाद से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, उन 60 सेकंड के अंदर आपको 2 बंदे किल करना होता है। तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे और बहुत ही आसान है। और कहीं प्लेस आपको और भी जल्दी इन मिशन को कम्प्लीट करना है तो आपको क्या करना है, आपका जो प्लेन का डायरेक्शन होता है आप सभी को होता है, लास्ट में कुछ बंदे ऑफलाइन भी होते हैं और सबसे लास्ट में जाके वो उतर जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पर जाओ डेफिनेटली आपको 1-2 बंदे तो मिल जाएंगे, उनको किल करके आप मिशन कम्प्लीट कर लो। पांचवा मिशन, इसके अंदर गाइस आपको क्लासिक मोड के अंदर रूफ टूफ के ऊपर जंप लेना है। अब कौन से रूफ टूफ के ऊपर जंप लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। अगर आप एयर एंगल चूज करते हो तो आपको पोचिंग की जंप लेना होगा 2 बारी, और इसी की जगह पर अगर आप मीरा मार चूज करते हो तो उसके अंदर भी आपको लो सेलेंड में जाकर 2 बार जंप लेना होगा, और लास्ट में अगर आप शेनोक खेलते हैं तो आप डेफिनेटली क्वारी में 2 टाइम्स जंप ले सकते हैं और आपका मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। छठा मिशन गाइस, ये भी एकदम AKM जैसा ही मिशन है। अगर आप यहाँ पर क्लासिक मोड के अंदर UMP से बंदे किल करोगे तो आपको यहाँ पर 12 किल करने, और अगर आप एरेना के अंदर करोगे तो आपको 100 बंदे किल करने। तो डेफिनेटली अगर आप एरेना चूज कर रहे हो तो फिर आपको डोमिनेशन खेलना और आपके लूट आउट में आपको UMP रख लेना है। सेवंथ वाला जो मिशन है गाइस, उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लासिक मोड में आप सभी को पता है एक फ्लोरा मैनेज करके मोड आया हुआ है, जिसके अंदर आपको एक सेल मैट्रिक्स मिलता है जो कि हवा में उड़ता है, जिसको हम उड़न कश्ती बोल सकते हैं। उसके अंदर आपको जाना है और वहाँ जाकर आपको 20 बंदे किल करने हैं, तो उसके ऊपर नीचे कहाँ भी हो सकते हैं तो किल कर देना बस। अब कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर अगर आप नॉकआउट हो जाते हो तो फिर आप वहाँ पर फिर से नहीं जा पाओगे। उसके अंदर एक स्पेशल TDM होता है जो कि ये सभी को ही खेलते हैं, आपको 3 हेल्थ मिलता है उसके अंदर, डेफिनेटली आप कर लोगे, और मुझे पता है कि 1-2 मैच के अंदर तो आप ये मिशन कंप्लीट कर ही लोगे। फाइनली लास्ट मिशन, इसके अंदर गाइस आपको एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग उठाना होगा, वो भी क्लासिक मोड के अंदर। और मैं आपको बता दूं आपको एक मैच के अंदर जैसे तो एक ही बार काउंट होगा, भले आप 10 उठा लो। सो यहाँ पर आपको टोटल 14 मैच कर लेंगे, उसके अंदर एक एक करके उठाना होगा तभी जाकर आपका मिशन कंप्लीट होना है। और एक्सटेंड क्विक ड्रॉ वो वाला होता है जिसके अंदर गाइस 40 MO लोड होता है, तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग चुका है कौन सा एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ होता है। ओके, तो होपफुली गाइस आपको मिशन को अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पे आप अभी तक नहीं हो तो क्या करो, मेरी जान जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में चैनल का भी ऑन करो, ताकि हमारे ऐसे आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।